नमस्कार, हम लोग हैं टपकेश्वर महादेव पर। और सबसे पहला ये प्रवेश द्वार देखिए, यह टपकेश्वर बाबा का प्रवेश द्वार। ये जो मंदिर है वो एक नदी के किनारे अवस्थित है। ये जो मंदिर है वो एक नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी अगर हम शैली देखें तो ये मंदिर निर्माण की शैली तो नवीनतम है और इसको गुफा मंदिर बोला गया है। एक प्रकार का क्या है, गुफा मंदिर है। इस मंदिर परिसर जो है इसका निर्माण अति प्राचीन काल में हुआ था, इसे अति प्राचीन कालीन मंदिर भी बोला जाता है। ये देखिए हम लोग पहुंच गए नीचे की ओर। ये आपको टपकेश्वर मंदिर परिसर दिखेगा। एक्चुअली ये मंदिर नहीं बल्कि एक प्रकार का मंदिर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कई देवता विराजमान हैं। यहाँ पे आपको कोई एक देवता नहीं दिखेंगे बल्कि यहाँ पे एक देवताओं की पूरी चैन दिखेगी हमें। ये देखिए ये टपकेश्वर मंदिर की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं और ये इसका पूरा मंदिर परिसर है। ऐसी मानता है कि द्रोणाचार्य जो है, ऐसी मानता है कि द्रोणाचार्य को पुत्र नहीं प्राप्त हो रहे थे। उनकी जो पत्नी थी और द्रोणाचार्य था, उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहे थे। इस बात से वो काफ़ी दुखी रहते थे। फिर वो भगवान शिव की आराधना करते हैं और बोलते हैं कि मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हो। तो बोला जाता है कि द्रोणाचार्य ने और उनकी पत्नी कृपी ने द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या की थी इसी स्थान पर, और इस स्थान पर तपस्या करके उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था और उस पुत्र का जो नाम था वो नाम था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा की ये तप स्थली है, जन्म स्थली है, और द्रोणाचार्य की ये तप स्थली है। अश्वत्थामा की जन्मस्थली है और द्रोणाचार्य की ये तप स्थली है। ये देखिए ये पूरे लोग यहाँ बैठे हैं। ये गुफा मंदिर है, ये मुख मंदिर कहलाता है। उसको आप देखिए, शिव जी हैं, ये हैं, ये बाबा हैं। यहाँ पे ये आपको पूरा मंदिर दिख रहा होगा। ये सरस्वती माता है, बोला जाता है कि ज्ञान की देवी है। जब भी आप यहाँ पे आए इनसे ज्ञान की अर्जी आप लगा सकते हैं। तो ये भगवान दत्तात्रेय हैं, ये तीनों देवताओं के स्वरूप बोले जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। ये आपको पूरा मंदिर परिसर दिखेगा। ये देखिए पूरा, मंदिर है, मंदिर कॉम्प्लेक्स। छोटी सी बच्ची अपनी फोटो शूट करा रही है। अगर आप इस क्षेत्र की एक कहानी पढ़ें तो इस क्षेत्र की कहानी ऐसी है कि जो अश्वत्थामा था तो वो एक बार बहुत ज़्यादा प्यासा था, बहुत ज़्यादा भूखा था, चूँकि प्यासा नहीं चूँकि भूखा था, और वो उसका मन काफ़ी विचलित हो जाता है।
भूख से काफ़ी वो बिलबिलाने लगता है। तो भगवान शिव ने इस जगह पर एक दूध की नदी बहा दी थी, इस जगह पर एक दूध की नदी बहा दी थी, और कलयुग में वही दूध की नदी जो है वो पानी में बदल गई। तो एक ऐसी पौराणिक कथा इसमें और है। तो ये है आपका टपकेश्वर महादेव। इस पूरी की पूरी जगह से पानी टपकता रहता था, इसलिए इनका नाम टपकेश्वर पड़ा था। आज यहाँ पे पानी ही नहीं टपक रहा है, वो इसकी जो शैली है गुफा निर्माण की शैली है। ये पानी आपको टपकते हुए दिख रहा है, तो इसको सीमेंटेड कर दिया। पहले तो इतना पानी टपकता था कि आपको दिखता था पूरा पानी टपकते हुए। ये बाबा जी बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये लोग इनकी, अभी देखिए ये आपको पानी टपकते हुए दिखेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए ये आपको पानी टपकते हुए, ये देखिए ये भगवान से भी जय जय शिव शंभू। पूरा परिसर दिख रहा होगा, यह दो का मंदिर परिसर, ये आपको संरचना दिख रही होगी। ये काष्ठ स्थलाकृतियाँ हैं, यहाँ से पानी टपकता रहता था। बड़ी सुंदर स्थलाकृतियाँ जो कि अब इसको सीमेंटेड कर दिया गया है, तो स्थलाकृतियाँ क्या हो गई, बनी हो गई हैं। तो देखिए हम यहाँ से बाहर की ओर निकल रहे हैं, यहाँ से आप नीचे की ओर भी जा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे पूरी की पूरी संरचना, बाबा देखा होता है यह टपकेश्वर महादेव। नीचे आपको एक नदी दिख रही होगी, ये छोटी सी नदी है, ये इसे कहते हैं टोंस, इसका नाम टोंस है। और ये देखिए सामने एक मूर्ति दिख रही होगी हनुमान जी की है, और उसके साथ में वैष्णो देवी का की जो मंदिर है, वैष्णो देवी गुफा मंदिर लिखा है। ये देखिए यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए विष्णु जी, और ये देखिए साथ में विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए हमने जो है मूर्ति, ये है श्री कृष्ण भगवान जी, और ये जो है उनको गोवर्धन जो पर्वत है उसको उठाया यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है, और ये है पूरा, काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए यह है टपकेश्वर महादेव मंदिर, और हम लोग आए थे यहाँ पर आज, और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।